सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या खातमुन नबियीन या रहमतुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं हक चैनल। समझने के अलावा आजकल बड़ा शोर है इस चीज़ का कि इमरान खान के जो जलसे हो रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, उन्हें बड़ा दर्द उठ रहा है इस वक्त कि जी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बात पर बड़ा डिस्कस कर रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी, अपने चैनल्स के ऊपर भी। मेरा सवाल है इन सहाफ़ियों से और इस आवाम से कि उस वक्त आपकी गैरत मानी कहाँ आती है जब आकाए दो जहाँ की इज्जत की बात की आती है। आपको याद होगा कि जब तरीके लबैक पाकिस्तान में नामोसे सऊद की बात की थी, ये सड़कों पर आए थे, आपको पता है, सबको पता है, उस वक्त तो आपने किसी ने सोशल मीडिया पे इतनी सी भी इनकी खबर नहीं दी थी। जो कलमा है हक ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह इन कारकुनों ने पढ़ा, वही कलमा आपने पढ़ा है, क्योंकि हमारा ये मान है आका दो जा पे हमारे जान माल दौलत हमारे माँ बाप हमारे बीवी बच्चे हम सब कुर्बान। तो उस वक्त खामोश होते हैं, मुझे दुख है इस बात का, उस वक्त आप खामोश होते हैं, कुछ भी नहीं दिखाते। उस वक्त इस हुकूमत में जिसने रियासत मुजीम का नारा लगाया, पर अगर झूठा और खोखला नारा लगाया, उस वक्त कहाँ थे ये लोग? उस वक्त अमेरिका की गुलामी इनको क्यों नहीं याद आई? आज इनको अपने इख्तदार की खातिर अमेरिका की गुलामी याद आ गई। उस वक्त जाके इसी इमरान खान ने जाकर अमेरिका में ये कहा था, तस्लीम किया था कि वो जो खातून थी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उस वक्त उसको किसने आजाद किया था? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है जिस चीज को पता है कि कौन शख्स था जिसने अमेरिका में जाके तस्लीम किया था कि गुस्ताखे रसूल आसिया मरूना जिसको अदालत में सजा दी, उसको किसने रिहा किया था? और आज इनको अमेरिका की गुलामी याद आ गई। उस वक्त तो अमेरिका की गुलामी में जाके आपने वहां जाके इकरार कर लिया इस बात का, आपने यहूद के हवाले एक गुस्ताख को कर दिया था। फिर वो कौन शख्स था जिसके दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा मंदिर तामीर किए गए, मंदिरों को रेनोवेशन की गई, वो कौन शख्स था? अगर आपको याद होगा कि फ्रांस के सफीर के जब मामला था, अगर ये इतने आज के रसूल थे, उस वक्त फ्रांस के सफीर का जो मामला था, जो तरीके लबैक पाकिस्तान ने इस मामले को उठाया था कि उन्होंने गैर ईमानी उनकी थी जिंदा, जबकि बाकी लोगों की मैं समझता हूँ जमीन मुर्दा हो चुके थे, इस हुकूमत की ड्यूटी थी उस वक्त, उस वक्त तो जवाब देना चाहिए था इस हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत थी उस वक्त इमरान खान की, उनको तो आपने जवाब कोई ना दिया। बजाय उनको जवाब देने के आपने यहां पर तरीके लबैक के कारकुनान के ऊपर, एक अहले सुन्नत जमात के ऊपर आपने गोलियां चलाई जिसमें लातादाद मजलूम जो शहीद हुए और कई कारकुनान हजारों की तादाद में कारकुनान बल्कि लाखों की तादाद में कारकुनान जख्मी हुए, खून की नदियां सड़कों पर आपने बहाई, उस वक्त आपकी ये गैरत मानी कहां थी? उस वक्त ये जो आवाम क्यों सड़कों पे नहीं आई? उस वक्त ये लफाफा सहाफी क्यों नहीं उठे? उस वक्त क्या आपके कैमरा टूटे हुए थे? तो दोस्तों, मेरा आपसे भी यही कहना है कि एक ही मुल्क है और दो किस्म की सहाफत होती है। जब मौलवी आते हैं सड़कों पर, जब इस्लाम की खातिर निकलते हैं, जब आका दो जहां की शान की इज्जत के लिए निकलते हैं, हक के लिए निकलते, तब आप ये सहाफी उनका साथ नहीं, चंद एक सहाफी साथ देते हैं लेकिन ज्यादा तादाद में सहाफी साथ नहीं देते। अभी इस वक्त जो है तमाम रिपोर्टर जागे हुए हैं, जो इस वक्त सड़कों पर जाकर जलसों पर जाकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन खुदाया उस वक्त भी आया करें, आप लोग उस वक्त सच दिखाया करें। इन मौलवियों को आप निकाह पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, खत्म के लिए बुलाते हैं, बुलाते के लिए बुलाते हैं, लेकिन जब ये आपकी आवाज को बुलंद करते तब आप इनका साथ देने में नहीं आते। खुदाया उस वक्त भी आया करें। और ये आवाम से भी मैं कहूंगा कि जब भी हमारे आकर दो जहां की बात आया करे तो उसमें सड़कों पर आया करे। जिस वक्त इन लोगों को शहीद किया जा रहा था सड़कों के ऊपर, ऐसा लग रहा था फलस्तीन यही बन गया है। यकीन करें, जैसे कुफार जुल्म कर रहे थी फलस्तीनियों के, ऐसे जुल्म हो रहा था यहां सड़कों के ऊपर। उस वक्त आप आते अपनी आंखों से देखते कि कितना जुल्म हो रहा है, उस वक्त आपको इनका साथ देना चाहिए था। ये अपनी जात के लिए नहीं निकले थे, ये आकर दो जहां की शान के लिए, इज्जत के लिए निकले थे, और ना इनके आप में सोते थे ना डंडे थे ना कोई असला था, खाली आते कुरान पढ़ रहे थे सड़कों पर बैठ के। कभी आपने देखा हो तो आपको पता हो, मेरे पास कुछ फुटेज है भी, मैं आपको दिखाऊंगा। लिहाजा अभी वक्त है पहचाने हक सच पर कौन है, झूठ पर कौन है, कौन आपको डुगडुगी बजा के नचा रहा है। और चलते चलते दोस्तों, मेरे आखिर में आपसे पैगाम से इतना है कि इस दफा जब इलेक्शन के लिए ये लोग आपके दरवाजे पर आए तो खुदाया
आप ये जरूर जानने की कोशिश करें कि ये जो शख्स है हमारे जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, क्या ये इस मुल्क को इस्लामी कानून के मुताबिक चलाएगा? क्या ये जो अहद करने जा रहा है ये उस पर पूरा उतरेगा? क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में निजाम मुस्तवा कायम नहीं होगा हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम हकीकी गुलामी से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। जब तक ये यहूदी निजाम चलता रहेगा हम हमेशा यहूद के गुलाम ही रहेंगे। तो दोस्तों आप आगे बढ़िए, साथ दीजिए तरीके लबैक पाकिस्तान का, जिनका मंशूर यही है कि निजाम मुस्तवा कायम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।